हे हाय, सो ये है इस लोकोमोशन एंड मूवमेंट का वीडियो नंबर 3। इसमें हम अपना चैप्टर ख़त्म कर देंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम से। हम जो मसल इस चैप्टर में बेसिकली दो पार्ट हैं, एक मस्कुलर वाला पोर्शन है जिसमें आपको मसल्स क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक पोर्शन, और दूसरा पोर्शन है स्केलेटल सिस्टम का। उसमें हम देखेंगे कौन कौन से बोन्स बॉडी में मौजूद होते हैं। पहला जो पैराग्राफ दिया हुआ है, जो पहला पैराग्राफ है, वो बहुत ही जर्नल है, ठीक है, तो उसको देखते हैं एक बार। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स एंड द फ्यू कार्टिलेज। जो स्केलेटल सिस्टम जो हमारा बना हुआ है, वो एक जो फ्रेमवर्क है, ढांचा है, वो बोन्स का बना हुआ है, थोड़े से कार्टिलेज वगैरह भी होते हैं इसमें। दिस सिस्टम हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन इन टू द बॉडी। अब प्लीज़, आपको जब भी मूवमेंट बोला जाएगा तो आपको मूवमेंट जो कि मोशन से, जो आपका सो कॉल्ड लोकोमोशन है, उससे अलग है। ओके, तो स्केलेटल सिस्टम आपको दोनों में मदद कर रहा है कि इधर एक जगह से दूसरी जगह जाने में, लोकोमोशन में भी मदद करता है और मूवमेंट में भी मदद करता है। अब इमेजिन च्यूइंग द फूड विदाउट द जॉबोन। आप विदाउट जॉबोन जो होता है आपका, उसके बिना खाना चबाने की कोशिश करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा। एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम बोन, और लिम के बिना आप चल नहीं सकते। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो कार्टिलेज, बोन, कहाँ गया, बोन और कार्टिलेज आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करते हैं। और इसी तरीके से आपका ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो आपके पूरे बॉडी में हर एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट कर पा रहा है, तो वो आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया। द फॉर्मर हैज़ अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट एंड इन इट लेटर हैज़ ए स्लाइटली प्लायबल। कि एक तो हार्ड होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से हार्ड होता है, और थोड़ा सा मतलब मुड़ सकता है, थोड़ा सा हल्का सा प्लायबल होता है, वो उसकी वजह किसी वजह से होता है, कॉन्ड्रोइटिन साल्ट्स की वजह से होता है। इन ह्यूमन बींग्स दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन। ये 206 बोन्स हैं आपके पूरे बॉडी में एंड फ्यू कार्टिलेज। जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा नंबर ऑफ बोन्स ज़्यादा होती हैं, बाद में जाकर के वो एक दो बोन्स जो हैं फ्यूज हो जाते हैं, और उसके बाद ये जो अल्टीमेट है, ये एडल्ट के लिए बताए गए हैं, 206 बोन्स होती हैं। अब ये जो सेल्स, ये जो बोन्स हैं सारी की सारी, इनको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक को बोला गया है एक्सियल। अब ये आपको एक्सिस दिख रही है, ये जो ब्लू कलर में आपको एक्सिस दिख रही है, ये आपके सारे एक्सियल बोन के अंदर आ जाएगा। आपका स्कल, इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, और ये जो रिब केज है, क्योंकि इस एक्सिस के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे उसकी साइड में हैं। अब जो हाथ को है आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये अगर हाथ इस डायरेक्शन में निकल जाएगा, लेग भी इस डायरेक्शन में निकल सकता है। तो ये मेन एक्सिस जो रहेगी, उसमें जितने भी बोन्स हैं आपके, वो सारे एक्सियल बोन्स हैं। अब ये जो जितने भी बोन्स हैं, उसका जनरल आइडिया जो हमने लिया, उसको एक बार बिगर पिक्चर में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपका बिगर आइडिया। स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स हैं, आपको स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर से। आप जो भी पोर्शन देख पा रहे हैं इसमें आपका येलो कलर में, वो सारा आपका एक्सियल बोन का पार्ट है। ओके, तो एक्सियल में आगे आपके 80 बोन्स हैं, अपेंडिकुलर में 126 बोन्स हैं। अब एक्सियल वाले को देख लेते हैं ज़रा थोड़ा सा डिटेल में, कि एक्सियल वाले में क्या क्या पोर्शन है। स्कल आ गया, आपका जो स्कल है, स्कल के अंदर भी आपका एक होगा खोपड़ी वाला पार्ट, बाहर और ऊपर वाला पार्ट, उसमें आपके 8 बोन्स आ जाएंगे। अब फेस वाले पार्ट में आपके हो जाएंगे 14 बोन्स। ओके, और ऐसे स्कल एसोसिएटेड बोन्स वो 29 रहेंगी। अब एसोसिएटेड बोन्स में और क्या क्या आते हैं, ऑडिटरी वेसिकल्स, उसमें 6 बोन्स से 3 बोन्स आपकी जो बॉडी में सबसे छोटी रहती है, मैलियस इनकस स्टेप्स। हायोइड बोन जो आपके गर्दन में सबसे नीचे की तरफ होती है, यहाँ पर जो होती है वो आपको हायोइड बोन होती है। थोरैसिक केज में आपका आता है स्टर्नम, ये सेंटर में जो हड्डी है ये, इसको बोलते हैं स्टर्नम, और ये चारों तरफ रहती हैं आपकी रिब केज, 12 पेयर। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम पीछे, उसके अंदर हमारे मेन वर्टिब्रा 24, सैक्रम 1 और कॉकिक्स 1। इसको हमने थोड़ा डिटेल में देखते जाना है। वापस चलते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्सियल एक्सिस वाला। ओके, इसमें हम देख चुके हैं 80 बोन है और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेन एक्सिस पे है, तो होता है। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, स्कल रहेगा आपका, वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, स्टर्नम रहेगा, रिब्स रहेंगे, और कॉन्स्टिट्यूट द एक्सियल स्केलेटन। ये सब चीज़ें जो सेंटर का एक्सिस वाला पोर्शन है, वो आपका सारा का सारा एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। अब द स्कल, अब स्कल को देख लेते हैं कि स्कल में आपका ये पूरा का पूरा स्कल है, इसमें पूरे के पूरे बोन्स हैं। आपको जो बोन्स भी दिखेंगी वो आपके ब्रेन वाले पोर्शन में जब जाएंगे ना, आप तो आपको फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये उसी तरीके से जो लोब्स हैं वो हड्डियों की पोजीशन पे डिराइव्ड हैं। अगर आपको इस एक एक हड्डी करके अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से दिखेंगी कि आपका ये फ्रंटल व्यू है आपका स्कल का। तो सबसे पहले ये आपका फ्रंटल बोन, पैराइटल साइड की तरफ जो बोन्स रहेंगी, उसके बाद ये टेम्पोरल बोन्स, नेजल बोन, वोमर, इसके बाद जाइगोमा आ जाएगा आपका,
मैक्सिला यहाँ पर, ये जो पूरा आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर रहता है वो मैक्सिला की वजह से रहता है, मैंडिबल की वजह से आप चबा पाते हैं चीज़ों को। जो सब मैंडिबुलर आपको अगर याद हो सलाइवरी ग्लैंड का होता है, सब मैंडिबल मतलब नीचे मैंडिबल के, ओके। तो ये आपका फ्रंटल व्यू से आ जाएगा। अगर आप लेटरल व्यू से चीज़ों को देखना चाहेंगे तो वो इस तरीके से दिख जाएंगे कि ये फ्रंटल आपका है, ये पेराइटल, वो लोब्स जो ब्रेन के लोब्स हैं आपके सेरेब्रम में वो भी इसी तरीके से डिफाइंड है, ये टेम्पोरल, फिर उसके बाद आपका नेजल, फिर आपका जाइगोमा, मैक्सिला, मैंडिबल हो जाएगा, और ये आपका ऑक्सिपिटल लोब यहाँ पर के आप देखते हैं जो ब्रेन का जो ऑक्सिपिटल लोब है उसमें विजुअल सेंटर होता है, ओके। तो ये बेसिक फीचर रहा आपका। ये सारे के सारे बोन्स आपको कलर्ड में, आप इसको रोक करके डिटेल में देख सकते हैं, ओके। और ये नीचे से और ये ऊपर से, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये तो नीट वाले वीडियोज़ के लिए हैं जो आगे अपलोड करेंगे। बट उसके अलावा वापस चलते हैं इस पर अपने पोर्शन पर। तो सारी बोन्स जो हमने देखनी थी स्कल वाली वो हम देख चुके हैं, इसके अंदर हमारी 80 बोन्स आ रही थी, और जिसमें कि क्रैनियल फेशियल टोटल मिला के 22 बोन होती हैं। क्रैनियल बोन आर 8 इन नंबर, जो क्रैनियम्स यहाँ पे जो होते हैं ये 8 हैं आपकी। दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रैनियम ऑफ द ब्रेन, आपका ब्रेन में जो हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको आपका कंकाल जो स्कल खोपड़ी जिसको कहा जाता है वो क्रैनियम है। द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एल्टीमेट, यहाँ 14 बोन्स होती हैं। फ्रंटल पार्ट ऑफ द स्कल सामने की तरफ, अ सिंगल यू शेप्ड बोन, यहाँ पर ये देखिए ये वाली जो बोन है ना उसकी बात कर रहा है वो, यू शेप्ड बोन कॉल्ड द हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी, बकल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट है, एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द स्कल, स्कल के साथ ही इसको काउंट किया जाता है। आपका मिडिल ईयर के बाद, आपका एक्सटर्नल ईयर होता है ईयर पिन्ना, उसके बाद मिडिल ईयर आता है, मिडिल ईयर के बाद आता है आपका इनर ईयर। इनर ईयर में ईच मिडिल ईयर कंटेन्स 3 टनी बोन्स, उसमें आगे आपका मैलियस, इनकस और स्टिप्स, तीन सबसे छोटी बोन्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज द ईयर ऑसिकल, इनको तीनों को मिलाकर ईयर ऑसिकल कहा जाता है। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ, तो ये वर्टिब्रल कॉलम विद हेल्प ऑफ टू ऑक्सिपिटल कॉन्डाइलिसिस कॉन्डाइल्स डाइकोंडाइलिक स्कल, सिंपल आसान भाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर आप पिछले उस पर अगर हम जाएँ तो ये जो ऑक्सीपिटल वाला स्ट्रक्चर था यहाँ पर आपका ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं, जिससे कि ये कनेक्ट होता है पहले वर्टिब्रल कॉलम से, और इसको एटलस बोला जाता है, ठीक है, पहले उसको। तो यहाँ पर आगे आपका एटलस वाला पोर्शन, इसके बाद आ जाता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में आप इधर आसान से देख सकते हैं, 7 आपके सर्वाइकल जो आपके गर्दन में रहेंगे, और उसके बाद आपके थोरेसिक जो तो ऑब्वियसली नेम, उसके लंबर, और उसके बाद 5 लंबर, फिर उसके बाद सैक्रल और कॉकल, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, और ये पूछ हुआ करती थी मतलब हमारे पूर्वजों में, और ये चेंज हो करके जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट जिसका कोई ज़रूरत नहीं रही तो ये कॉकिक्स बन गया, ये रहा आपका कॉकिक्स, ओके। तो देखते हैं कि आवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट कॉल्ड वर्टिब्रा। अब ये क्यों अलग अलग क्यों हैं, आपको मुड़ने में, आपको झुकने में फ्लेक्सिबिलिटी देने में मदद करती है, और यहीं ये जो जगह है इन दोनों के बीच में वहीं से आपके नर्व्स भी बाहर निकलते हैं, ओके। सो इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, बेस स्कल के बेस के जहाँ एटलस से वहाँ से बढ़ती है आगे, एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क और द ऑफ द ट्रंक, और ट्रंक ये जो बॉडी का हेड थोरैक्स ट्रंक ये जो पोर्शन होता है ये वाला बॉडी का उसको ट्रंक बोला जाता है, उसको उसका मेन फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है रिब्स के साथ मिलकर के। ईच वर्टिब्रा हैज़ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, उसके अंदर एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है जिसको कहा जाता है न्यूरल कैनाल, ओके, और थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासिस, और इसके अंदर कि भाई अगर आप उसको ऊपर से देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो ये कैविटी, ये रहा आपका वर्टिब्रल कॉलम, ये है वो कैविटी जहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड पास होगा। फर्स्ट वर्टिब्रा, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वर्टिब्रा के बारे में, जिसको एटलस बोला जाता है, जो कि कनेक्टिंग लिंक फर्स्ट वर्टिब्रा और उसके कॉन्डाइल से जो डाइकोंडाइलिक स्कल है वहाँ ऑक्सिपिटल बोन पे वहाँ से जुड़ा हुआ होता है, ओके। सो फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस, फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस बोला जाता है, एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स, ओके। द वर्टिब्रल कॉलम, आगे आपको इन्होंने दिया ये कि कौन कौन से वर्टिब्रल कॉलम से, 7 हो गए आपके सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रल फ्यूज्ड में और 1 कॉकेजल, ओके। रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, ओके, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो बोल रहे नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे आर 7, ओके। तो अगर आपको बोले कोई कि जो जिराफ है उसकी गर्दन में ज़्यादा नंबर ऑफ वर्टिब्रा हैं, तो नहीं, वो बहुत कम है, वो बस खुद अपना उसका साइज़ बड़ा होता है,
इज ऑलमोस्ट इन ऑल मेमर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. वर्टिब्रल कॉलम का मेन काम है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना और द सपोर्ट द हेड एंड द सर को सपोर्ट देना. सर्व्स इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फ्रॉम द रिब्स और रिब्स को अटैचमेंट का प्रोवाइड करना. मेन आपका एक्सिस जो बॉडी का बन रहा है वो वर्टिब्रल कॉलम की वजह से ही बन रहा है. आपका हेड भले से एक्सिस का पार्ट हो मगर वो टिका हुआ आपके वर्टिब्रल कॉलम पे एक्सल वो एटलस जो वर्टिब्रा है उसकी वजह से है. द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड सपोर्ट द हर्ट हेड एंड सर्व्स इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द रिब्स. स्टर्नम ये हम देखे थे कि स्टर्नम और इज द फ्लैट बोन विच इज प्रेजेंट इन टू द फ्रंट उसको अभी. तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर रिब्स का. ये आपको दिख रहा है सामने स्टर्नम है. ये कार्टिलेज का ये वाला पोर्शन बना होता है कार्टिलेज का ताकि जब आप सांस लें तो इसमें थोड़ा सा एक्सपेंडेशन एक्सपेंड हो सके उसको थोड़ा सा स्पेस मिले. इसके अलावा आपका ये दो 11वां और 12वां जो होता है वो आपका फ्लोटिंग रिब्स होता है. ये आपका इधर फ्लोटिंग रिब्स आप देख सकते हैं. ओके पहले 7 रिब्स को ट्रू रिब्स बोला जाता है क्योंकि इंडिविजुअली जाकर के स्टर्नम से अटैच हो रहा है आप देख सकते हैं. उसके बाद के 8 से 12 तक आपके फॉल्स रिब्स कहे जाते हैं क्योंकि आपस में या तो फ्यूज हो रहे हैं या हवा में लटके पड़े हैं. ओके तो यहाँ बोल रहे हैं कि सेंटर में स्टर्नम है एंड फ्लैट बोन्स वट ऑन द वेंट्रल मिडल ऑफ द थॉरेक्स. ये आपका स्टर्नम की बात कर रहे हैं. देर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स. 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं. हम देखिए 7 ट्रू 8 से 12 फॉल्स. ओके ईच रिब्स इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम. पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है और वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ा हुआ है. इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द डॉर्सल एंड. ओके 2 आर्टिकुलेशन सिर्फ होते हैं इसमें. इज हेंस कॉल्ड बायसिफेलिक. फर्स्ट सेवन पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज अ ट्रू रिब्स. ये हम पहले देख चुके हैं कि पहले 7 को ट्रू रिब्स कहा जाएगा. ये 7 के साथ पहली 7 ट्रू रिब्स, उसके बाद 8 से 12 फॉल्स रिब्स जिसमें कि 11 और 12 फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं. बोल रहे हैं कि डोर्सली दे आर अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्रे. जो पीछे ये आपका जो फ्रंट साइड होता है वो वेंट्रल होता है, पीछे वाला साइड जो होगा वो आपका डोर्सल रहेगा. तो बोल रहे हैं कि थोरेसिक वर्टिब्रे आर वेंट्रली कनेक्टेड टू स्टर्नम. भाई वेंट्रल आगे की तरफ तो स्टर्नम से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ हेलाइन कार्टिलेज. और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये हेलाइन कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड है. 8, 9 और 10 पेयर ऑफ द रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली. वो अपने इंडिपेंडेंटली अटैच नहीं होते, एक दूसरे से अटैच होकर फाइनली एक जा करके उनका उनके लिए जुड़ जाता है. ओके डायरेक्टली टू द स्टर्नम बट जॉइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ द हेलाइन कार्टिलेज. अब दीज आर कॉल्ड इज द फॉल्स रिब. और इनको क्या इसलिए क्या कहा जाता है, फॉल्स रिब कहा जाता है. और उसमें से भी जो आखिरी की दो होती हैं लास्ट 2 पेयर रिब्स आर नॉट कनेक्टेड टू द वेंट्रिकली. और वेंट्रल आगे की तरफ से तो वो कनेक्ट ही नहीं होती हैं. आपको यहाँ पर वो फॉल्स रिब्स नहीं दिखाई गई एनसीईआरटी में. यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि वो दोनों रिब्स कनेक्ट ही नहीं है. देयरफॉर कॉल्ड इज द फ्लोटिंग रिब्स. उनको क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स जो यहाँ पर नहीं है. थोरेसिक वर्टिब्रा जो होते हैं रिब्स स्टर्नम टुगेदर फॉर्म्स द रिब केज. और ये सारा का सारा बनाता है आपका रिब केज. अब हमको स्टार्ट करना है अपेंडिकुलर. ये एक्सियल वाला तो हमारा हो गया. मेन एक्सिस पे आपका था स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज, ये हमने कर लिया. अब इसके साथ जो हाथ पैर और जो अपेंडिकुलर में लगे हुए हैं जो एक्सिस के, ये वाई एक्सिस हमने कर लिया, एक्स एक्सिस पे जो लगे हुए हैं उनको करना है. The bone of the limb along with their girdle constitute the appendicular skeleton. Each limb is made up of 30 bones. हर एक उसमें, अच्छा इसको ना जर्नल वे में देख लेते हैं पहले. आइए तो आपका जो अपेंडिकुलर सिस्टम है उसमें कितना है, 126 बोन्स है. अब इसको मेनली डिवाइड कर सकते हैं आपके पेक्टोरल गर्डल में. कंधे वाला जो पोर्शन होता है वो आपका हो गया पेक्टोरल गर्डल. अपर लिम हाथ, ओके उसमें हो गया आपका 30+30 60 हड्डियाँ. ओके इधर आ गया फिर आपका ये जो हिप वाला पोर्शन होता है पेल्विक गर्डल, एक इधर आपका 2 बोन. लोअर लिम में आपका अगेन आ गया 30+30 60 हड्डियाँ. अब दो पेक्टोरल गर्डल में 4 देखे तो ये आपका सबसे पहले कॉलर बोन, क्लाविकल और उसके बाद पीछे स्कैपुला, 2-2 हो गए एक एक हाथ दोनों साइड पे. ह्यूमरस ये वाला हाथ का जो ऊपर वाला हड्डी है उसको ह्यूमरस बोलते हैं. फिर ये 2 हड्डी है मेन हैंड में, फोर आर्म में रेडियस और अल्ना. उसके बाद जो एक साथ काफ़ी सारी बोन्स होती हैं उसको कार्पल, उसके बाद मेटाकार्पल, फिर उसके बाद फेलेंजेस आ जाते हैं. तो इस तरीके से सबसे बड़ी हड्डी आपके पैर में फीमर, बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी, और उसके बाद पटेला जो आपका घुटना जिसको बोला जाता है जो इसका कवरिंग मेन होती है उसके ऊपर, उसके बाद नीचे 2 बोन पैर में टीबिया और फिबुला बोलते हैं. उसके बाद जैसे यहाँ पर कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस था वैसे यहाँ पर टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस है. हाथ और पैर का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी हद तक, बहुत हद तक सिमिलर है आपका, देख सकते हैं ह्यूमरस और फीमर एक जैसे है. रेडियस अल्ना जिस तरीके से होता है वैसे आपका टीबिया फिबुला होता है. ठीक है तो ये हो गया हमारा
126 बोन, 4 60 2 60, इस हिसाब से हमारा बेसिक डिवीजन हो रहा है। द बोन्स ऑफ द लिम अलॉन्ग विद द गर्डल, पैक्टोरल गर्डल हो जाएगा इसमें और पेल्विक गर्डल, ओके, और कंपेंडिकुलर स्केलेटन बनाता है ये, जिसमें कि लिम जो कि 30 बोन का होता है, और 30 30 प्लस 60 हो गया, और द बोन्स ऑफ द हैंड फोर आर्म्स एंड द ह्यूमरस रेडियस एंड ऑल, ये सारे नाम अभी आप देख चुके हैं पहले से ही। आगे देखते हैं अगला पेज, और इस वाले पेज में आप कुछ भी नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका यहाँ पर जो जो इमेज में दिख रहा है, जो नाम दिख रहे हैं, जो हड्डी दिख रही है, उसी को बस लाइंस में इन लोगों ने लिख दिया है और उसका नंबर लिख दिया कि कितना कितना होता है। तो यहाँ पर सीधा आपका कॉलर बोन में आ गया आपका क्लेविकल, इसके बाद पीछे की तरफ जो है वो है आपका स्कैपुला, ओके, ये आपका मेन ह्यूमरस, उसके बाद दो हड्डियाँ हैं रेडियस एल्ना मेड में, ये आपके कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स में आपका जो भी है यहाँ पर आपको सारा वो दिख जाएगा। इसमें कोई पढ़ने वाली ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको समझा सकूँ, तो केवल और केवल अगर आप फिगर भी देख लेंगे उसमें कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस कहा जाता है, इसके बाद इसमें आपका जो पेल्विक गर्डल होता है उसमें जो फीमेल और मेल्स का जो पेल्विक गर्डल होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वही जो कर्वेचर जो फीमेल्स में आता है वो पेल्विक गर्डल की वजह से आता है, और वो इसलिए होता है ताकि कि पार्चुरेशन के टाइम पर, जब बच्चा पैदा करने के टाइम पर वो थोड़ा ईजीली हो, ईजी हो, ओके। और इसके बाद सबसे लंबी बोन फीमर, और पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस, ये आपका यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। मेन चीज़ है आपके यहाँ पर जॉइंट्स, क्या जॉइंट्स को मेन देख लेते हैं कि जॉइंट्स को हम किस तरीके से करेंगे, अलग अलग किस किस तरीके से जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स आर इसेंशियली फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट, जो भी हो आपका, चाहे वो कार्टिलेज से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपका अलग अलग तरीके के बोन टू बोन, बोन टू मसल, मसल टू मसल, अलग अलग तरीके के जॉइंट्स होते हैं। तो जॉइंट्स आर इसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और लोकोमोटरी मूवमेंट आर नो एक्सेप्शंस टू दिस। जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बोन और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, फोर्स के बोन्स और बोन्स के बीच में जॉइंट हो सकता है, बोन्स कार्टिलेज के बीच में जॉइंट हो सकता है। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज टू कैरी द मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स, अब फोर्स कौन करेगा जनरेट, मसल, और मसल किसको कैरी करेगा, बोन्स को, और इसके तरीके से आप पूरा इंडिविजुअल कैरी होता है। वेयर द जॉइंट एक्ट इज द फर्कुलम, सो सिंपली वो ये बताना चाह रहा है कि आपका जॉइंट्स जो होता है वो मेन एक्टिविटी, मेन रहेगा आपका इन सब, इन पूरी एक्टिविटी में आपका लोकोमोशन रहे या आपका मूवमेंट रहे। अगर जॉइंट्स नहीं होगा तो एक लकड़ी के फट्टे की तरह आप पड़े रहेंगे, उसमें कोई उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता, कोई ना मूवमेंट ना लोकोमोशन। देन मूवेबिलिटी एट दिस जॉइंट वेरी डिपेंड अपॉन द डिफरेंट फैक्टर्स, जॉइंट हैव बीन क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप, मतलब मेजर टाइप्स हैं, काफ़ी सारे होते हैं जॉइंट्स। तो इसमें जो मेन रहेंगे फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल, तीन तरीके के जॉइंट्स हमको करने, उनको देख ले। तो पहला रहता है हमारा फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट में अगर हम देखें तो डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, कोई मूवमेंट अलाउ नहीं होता है। आपका जो क्रैनियम में जितने भी टाइप के जो सूचरिंग होती है वो सारे को, सारा का सारा फाइब्रस जॉइंट्स में आता है। दांत सॉकेट्स में लगे होते हैं, ये फाइब्रस जॉइंट की वजह से ही लगे होते हैं, तो अलाउ मूवमेंट अलाउ नहीं है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन विच फ्यूजेज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिविटी शो। तो ये एंड टू एंड में इस तरीके से दो तीन तरीकों से, जिसमें कि आपका एक बोन दूसरे बोन से फाइब्रसली जुड़ा होता है, और इसमें टूथ में बिल्कुल सेम एग्जाम्पल आप करेगा। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में थोड़ा सा जो है मूवमेंट जो है अलाउ किया जाता है, जैसे कि आपका स्टर्नम और रिब्स के बीच में, तो आपकी सांस लेते हैं तो थोरेसिक कैविटी बढ़ती है, तो आपका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए तभी आपका गैस अंदर जाता है, तो वो उसके लिए आपका रहेगा कार्टिलेजिनस जॉइंट। द बोन इन्वॉल्व्स आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, भाई नाम से समझ में आ रहा है। द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा, एडजेसेंट वर्टिब्रा और एक वर्टिब्रल कॉलम और दूसरा वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो होता है वो भी इसी तरीके से कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। एंड वर्टिब्रल कॉलम इज द पैटर्न ऑफ परमिट एंड लिमिटेड मूवमेंट, आप बिल्कुल नहीं मुड़ सकते, आप एक अपना गर्दन पीछे करके अपने पाँव पर नहीं छुआ सकते, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट वो अलाउ करेगा, वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। इसके बाद आता है इसका साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स में हमारे कई सारे जॉइंट्स होते हैं, बहुत अच्छे से मूवमेंट होता है, हम चल पाते हैं, जो मेन टाइप के मूवमेंट होते हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स में ही होता है, और जो पेन भी होता है वो साइनोवियल जॉइंट्स में भी होता है, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट्स में क्या रहेगा आपका साइनोवियल फ्लूइड रहेगा। जैसे ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कंधे में होता है, आपका कंधे में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जैसे आपका सॉकेट में बॉल डाल दिया हो और दोनों के बीच में एक फ्लूइड होगा, वो फ्लूइड क्या कराता है, वो फ्लूइड को नॉन फ्रिक्शन
प्रोवाइड कराता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ये फ्लूइड ख़त्म हो सकता है और ये एक दूसरे से फ्रिक्शन खा करके यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है और दर्द होता है और वही आगे चलकर आपका जो आर्थराइटिस कहा जाता है इसको वो बन जाता है। साइनोवियल जॉइंट आर द कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। ओके, दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होगा और उसमें फ्लूइड भी होगा। ओके, तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर दिखता है, ऊपर से एक बोन आ रही है, नीचे से एक बोन आ रही है, बीच में कैविटी होगी और इस कैविटी में क्या होगा? साइनोवियल फ्लूइड होगा। तो ये इसी से साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं? कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल जॉइंट्स में और आर्टिकुलेटिंग द सर्फेस ऑफ द टू बोन, और दो बोन्स के बीच में होता है। सर्फेस अरेंजमेंट अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में मूवमेंट होता है। हमारे जो मेन जॉइंट्स हैं वो अभी हम देखेंगे वो इसी की वजह से होते हैं ज़्यादातर। द जॉइंट्स हेल्प्स इन लोकोमोशन एनी अदर मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। अगर ये जो अलग अलग टाइप के मूवमेंट हैं वो अलग अलग टाइप के जॉइंट्स की वजह से होते हैं। कौन कौन से जॉइंट्स? बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पिवट, सैडल और ग्लाइडिंग, और ये अलग अलग टाइप के। अगर यहाँ पर हम देखना चाहें, अगर ये आप अपने हाथ को इस तरीके से कंसिडर करें तो यहाँ पर आपका मिलेगा आपको पिवट जॉइंट। तो किस तरीके से यहाँ पर आपका एक के ऊपर एक वो पिवट जॉइंट है रेडियस अल्ना के ऊपर। यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जो आपकी हिमरस होती है वो आपका सॉकेट में होती है और वो पूरा का पूरा हाथ उसको 180 डिग्री पर घुमा सकते हैं, वो सारा का सारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से आ रहा है। यहाँ पर हमारा होता है हिंज जॉइंट, जहाँ पर हमारा रेडियस अल्ना और हमारा हिमरस मिलता है, यहाँ पर है हिंज जॉइंट। और आखिरी ये जहाँ पर जो थोड़ा बहुत एक दूसरे के ऊपर सरकने वाली जो स्थिति होती है उसको बोलता कहा जाता है सैडल जॉइंट। तो ये हो गए हमारे जॉइंट्स क्लियर। अब इसके बाद देख लेते हैं ये जो बेसिक डिजीज़ हैं। सबसे बोल रहा है पहले मिस्थिया ग्रेविस, उसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कुछ कुछ इस तरीके से हो रहा है इसमें कि आपका जहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है, जहाँ आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है वहाँ पर आपका जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो सिग्नल है, सिग्नल एक सेल से एक जो न्यूरॉन है उससे मसल्स पर ठीक से नहीं जा पाता है। और होता क्यों है? क्योंकि बॉडी अपने ही कुछ प्रोटीन्स के खिलाफ को मार देती है वो प्रोटीन्स। अब देखिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का यहाँ पे आसान मतलब है कि बॉडी ने अपने खिलाफ ही जंग छेड़ दी है और अपने खिलाफ जंग छेड़ने के बाद उसने कुछ प्रोटीन्स को मार दिया और वो प्रोटीन हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। अगर वो प्रोटीन नहीं रहे हैं तो वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा और काम ठीक से नहीं पाएगा तो वो किस तरह बॉडी में सिम्टम्स दिखेंगे और सिम्टम्स क्या रहते हैं? लीडिंग टू फटीग, आप जल्दी से फटीग हो जाते हैं, वीकनिंग, इवन टू पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल की। अगर जहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आपका न्यूरॉन और मसल्स के बीच में अगर बात ठीक से नहीं हो पा रही है, उनके बीच में कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो आपका पैरालिसिस हो जाएगा। आपका ब्रेन सिग्नल भेज रहा होगा लेकिन वो ब्रेन से सिग्नल आपके मसल्स तक पहुँच नहीं रहा है और उसी को मिस्थिया ग्रेविस कहते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ओके, डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें धीरे धीरे मसल जो है ख़त्म होने लग जाती है खुद ब खुद, और जो उसका सारे के सारे फिनोटाइप्स आप बॉडी पर देख पाएंगे कि ना तो व्यक्ति अच्छे से कोई सामान उठा सकता है ना चल सकता है और इतना हालत बहुत गंभीर हो जाती है। तो मस्क्यूलर मसल्स की डिस्ट्रॉफी, ट्रॉफी आ रहा है ऑटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ से, तो वहाँ से क्या हो रहा है? डिस मतलब बिगड़ जाना, तो उसका जो न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है वो बिगड़ रहा है जिसकी वजह से अब वो डीजेनरेट होती जाती है, सब चीज़ होने के बावजूद वो बढ़ती नहीं है। टिटनी में क्या होता है? आपका रैपिड स्पैज़म आते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई कैल्शियम का क्या रोल है, जब आप कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब निकलता है तो वही चीज़ है जो कॉन्ट्रैक्शन कराती है। अगर ये आपका के बॉडी में अगर कम हो जाए तो उसके भी आपको बॉडी में स्पैज़म की फॉर्म में दिखेगा कि आपके भी आपका रिलैक्सेशन होता था, कॉन्ट्रैक्शन होता था। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब रिलैक्सेशन होता है तो रिलैक्सेशन तब होता है जब सारा का सारा कैल्शियम आयन आपका बॉडी में वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाए। अब कंडीशन में पहले से ही कैल्शियम कम है तो आपका ये हमेशा कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट तो रहेगी नहीं, तो उसमें कभी कभी स्पैज़म्स आते हैं, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन के सिम्टम्स आते हैं। आर्थराइटिस, आर्थ्रा का मतलब होता है आर्थ्रोपोडा का नाम सुना होगा, आर्थ्रोपोडा से आर्थ्रा मतलब कि जॉइंट है ना, जॉइंटेड लेग, आर्थ्रोपोड, पोड मतलब पैर, आर्थ्रा मतलब, तो आर्थ्रोपोड से आर्थ्रा आ गया। टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सिंपली इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन में सिंपली तीन चार होते हैं। आपको अगर चोट लग जाती है तो वहाँ पर क्या होगा? आपका गर्म हो जाएगा, हीट आ जाएगी, आपका रेडिश हो जाएगा, ब्लड आ जाएगा। ये सारे के सारे सिम्टम्स जहाँ इकट्ठे हो जाए कि दर्द हो, थोड़ा सा पेन हो, जहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस आ जाए, थोड़ी सी हीट आ जाए, उसको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। अब कहीं भी बॉडी में कहाँ पे चाहे, तो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का क्या मतलब हुआ? हेपेटाइटिस का मतलब हुआ कि लिवर का इन्फ्लेमेशन, इनका क्या हुआ कि इंसेफेलाइन जो आपका
ब्रेन है उसका, जो ब्रेन का एक पोर्शन है उसका, मेनिंजाइटिस ब्रेन की जो कवरिंग है मेनिंजिस उसका इन्फ्लेमेशन हो गया, आर्थराइटिस हो गया जो जॉइंट्स हैं उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो इसका इन्फ्लेमेशन हो गया, तो बहुत ही जनरल टर्म्स है। ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज बाय द डिक्रीज बोन मास इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, क्योंकि क्या होता है कि जब फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि फीमेल्स में क्या होता है जब आपका मेनोपॉज आ जाता है, मेनोपॉज आने के बाद आपका ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है। अब ईस्ट्रोजन लेवल कम होने से इसका इफेक्ट पड़ता है सीधे सीधे कैल्शियम के अपटेक पर। अब कैल्शियम का अपटेक अगर ठीक से नहीं होगा तो वो बोन्स अच्छे से नहीं बनेगी और फ्रैक्चर के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। गाउट इन्फ्लेमेशन, अगेन इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, मगर यहाँ पर एक खास बात है, इन्फ्लेमेशन हो तो रहा है मगर ये एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड की क्रिस्टल की वजह से हो रहा है, कि यूरिक एसिड क्रिस्टल आपके जॉइंट्स में इकट्ठे हो रहे हैं उसकी वजह से रगड़ खा करके वहाँ पर हीट इंजरी हो रही है, और इंजरी में क्या हो रहा है वहाँ पर हीट आ रही है, थोड़ा सा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, वो सारे किसके सिम्टम्स हैं इन्फ्लेमेशन के। तो गाउट स्पेसिफिक केस है इसका, आर्थराइटिस का। ओके, तो ये रहा आपका बेसिक ये वाला चैप्टर।